नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत धनौली और उसके बराबर स्थित ग्राम पंचायत अजीजपुर में जल भराव की समस्या सबसे पुरानी है। जल भराव की समस्या को लेकर यहाँ की क्षेत्रीय जनता कई बार जनप्रतिनिधि एवं शासन प्रशासन से गुहार लगा चुकी है। सरकारें बदली, जनप्रतिनिधि बदले और बदल गए शासन प्रशासन के नुमाइंदे, पर नहीं बदले ग्राम पंचायत धनौली और अजीजपुर के हालात। आज एक बार फिर एसडीएम लक्ष्मी एन सिंह ग्रामीणों के बीच जनता की समस्या जानने को पहुंची। जब ग्रामीणों के बीच लक्ष्मी एन सिंह सदर मौके पर पहुंची तो उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्होंने पाया कि क्षेत्र में जल भराव की समस्या एक बड़ी समस्या बनी हुई है। उन्होंने जहां लेखपाल सहित सभी अधिकारियों को मौके पर ही दिशा निर्देश दिए और सड़क की नाप तौल भी कराई, तो वहीं बता दें कि ग्राम प्रधान को भी साफ सफाई ना होने पर नाराजगी जताते हुए दिशा निर्देश दिए हैं कि गाँव में सफाई की विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आप देख रहे हो किस प्रकार पॉलीथिन और गंदगी के अंबार दिखाई दे रहे हैं, इन्हें तुरंत से तुरंत जल्द से जल्दी आप सफाई कराएंगे। खाली प्लॉट और जल भराव को देखकर भी उन्होंने नाराज़गी जताई, तो उन्होंने क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्द कई मार्गों की व्यवस्था चलने लायक कर दी जाएगी, जिसमें जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत की मदद ली जाएगी। आप देख रहे हैं किस प्रकार जल भराव एक समस्या है और खाली प्लॉटों में जल भराव दिखाई दे रहा है। वहीं सड़क देखिए किस प्रकार नहर का लूप रहते हुए दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं क्या कहना है मेरे द्वारा। आज अजीजपुर के दो तीन प्रमुख रास्ते को देखा है जहाँ पे जल भराव की स्थिति है। यहाँ पे हमने आज एस्टिमेट की भी बताया है और जो क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत की फंड से हो सकता है लोगों की सुविधा के लिए वो हम जरूर करेंगे। सर, देखने को जगह जगह जल भराव और गंदगी भी है, ऐसे में आपको प्रधान जी द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए? प्रधान जी को ये कहा है कि आज तो हम एस्टिमेट बनवा रहे हैं कि ताकि ये जो जल भराव है इसके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन निकालें और कूड़े वगैरह को हटाने के लिए कहा है और यहाँ पे एक खाद के गड्ढे की ज़मीन है उसका चिन्हांकन भी किया है और उनको ये निर्देश भी दिया है कि यहाँ से जितने भी कूड़े वगैरह हैं उसको उठा के वहाँ पे प्रॉपर लैंडफिल की तरफ वो खाद के गड्ढे का उपयोग करें। धनौली की भी जनता की शिकायत है जल भराव की, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? धनौली सिरौली वाला जो मेन रोड है वहाँ पे जल भराव की स्थिति है और वो जो मुख्य रास्ता है PWD से संबंधित है और वहाँ पे क्योंकि ये क्षेत्र पंचायत और दोनों क्षेत्र पंचायत पड़ता है धनौली और अकोला और बिचपुरी, तो हम इस मैटर को DM सर को एस्केलेट करेंगे और जो जिले स्तर से हो सकता है वो हम अवश्य करेंगे। पत्रकार भाइयों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाती हैं। आज SDM साहिबा ने दौरा किया पर उन्होंने ये गलती से दौरा कर लिया क्योंकि उनका मेन दौरा करना अजीजपुर प्राइमरी स्कूल के पास जो रोड ख़राब था, बिचपुरी ब्लॉक में जो अजीजपुर गांव आता है उसमें जो उन्होंने जो छोटा सा रास्ता है जो करीब 3 मीटर का 4 मीटर का रास्ता है वो ख़राब पड़ा हुआ है, उसका दौरा करना था क्योंकि वहाँ प्राइमरी स्कूल है, वो बच्चे वहाँ स्कूल में नहीं जा पाते हैं। उनकी शिकायत CM पोर्टल पर थी, शायद उसकी सर्वेक्षण करने के लिए वो वहाँ पर आई हुई थी, पर हमारी स्थानीय लोगों ने उन्हें ये इस बात से अवगत हुआ उन्हें कि वो आ रही हैं तो उन्हें वो गलती से सिरौली रोड पे आ गए, पर हमारे स्थानीय लोगों ने सब मिलकर उनको पूरा ये सिरौली रोड दिखाया। उन्होंने भी इस बात को माना कि सिरौली रोड वास्तव में बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतनी हालत ख़राब है कि यहाँ से निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है पैदल वालों के लिए, तो गाड़ी वाले तो गाड़ी पलट जाती हैं, अब ये बहुत ज़्यादा समस्या है। पर उन्होंने ये देखा सिर्फ लोगों की सांत्वना के लिए उन्होंने देखा है, पर पता नहीं कब ये होगा। पर विधायिका जी ने कहा है कि 15 दिन में काम शुरू कर पाएंगे, तो साथ ही स्थानीय जनता ने आखिरी मौका उन्हें दिया हुआ है कि 15 दिन में ये देखते हैं कि आखिरी मौका ये 15 दिन में कब तक काम शुरू कर पाते हैं। बाकी धनौली की जनता जाग रही है, धनौली की जनता अपना हक मांग रही है। लेकिन हम एक अभी हफ्ता नहीं हुआ, उस दिन भी हम मिल के आए मैडम से, अभी 4 तारीख की बात है,
उस दिन भी यही कह रही थी कि मैं आऊंगी, निरीक्षण करूंगी, देख के बताऊंगी क्या है। आप धरने पे मत बैठना, क्योंकि हम 12 तारीख का उसमें खोल के दे दिया। जब हम पिछली बार दिसंबर में बैठे थे तो जब हमारी वो थी अरमोली तमोली आई, उसमें लिखित में दे गई SDM महोदय कि 3 महीने में, हाँ SDM कि 3 महीने में काम शुरू हो जाएगा, जबकि अब 10 महीने होने को जा रहे हैं। अभी ना उस पर लेना है ना देना है। आज केवल वो यही कह रही है कि मैं अजीजपुर को देखने के लिए आई हूँ। क्या उम्मीद है अब ऐसे में ये सड़क का निर्माण हो पाएगा? उम्मीद मुझे इतनी आसानी से नहीं लग रहा है कि इतनी आसानी से निर्माण। मेरा नाम प्रेम सिंह है, मैं समाज सेवी आदमी हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं यही रहता हूँ, सिरौली रोड धनौली अजीजपुर पर। SDM साहब आज आई हैं, उन्होंने हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और वो आश्वासन दे करके गई हैं कि यहाँ की जो भी जल भराव की समस्या है उसके बारे में भी निराकरण करेंगी, साफ सफाई के बारे में भी निर्देश दिया है। और उनके साथ में उनकी टीम भी आई थी, ADO पंचायत आए थे, बिचपुरी अकोला और कुछ इंजीनियर्स भी आए थे, उन सबको वो हिदायत दे गई हैं। उन्होंने बढ़िया सकारात्मक बातें की हैं, हम उनकी बातों से बहुत प्रभावित हैं। आज हम हमारे यहाँ पर ये SDM जी आई हैं जो इसका निरीक्षण कर रही हैं। उन्होंने जनता की समस्या को न कुछ सुनते हुए न कुछ कहते हुए और अपना केवल खाना पूर्ति करते हुए निकलते जा रहे हैं। और ये आज से 10 साल से देख रहा हूँ, मैं खुद यहाँ का निवासी हूँ, मेरा साइड में ही मकान है, जबकि कोई समस्या का कोई समाधान, न पानी का, न कूड़े का, न किसी का, रास्ते का, कोई किसी का भी निर्माण नहीं। मैं SDM से लेखपाल जी रामलीला जी की शिकायत कर रहा था। अपनी वाइफ का एक वो जाति प्रमाण पत्र और एक निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाला था। मेरा वाइफ का जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र इसने रिजेक्ट कर दिया था, लेखपाल जी ने रिजेक्ट कर दिया। मैंने 20 बार इनको फ़ोन किया, बाकायदा तो मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। 20 और 2 बार मेरी वाइफ यहीं यहाँ मैं खड़ा हूँ, वहाँ एक दिन लेखपाल जी आए, उनको रिक्वेस्ट बोला, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप मेरे से मिलो और उचित कार्रवाई होगी। आपके यहाँ जल भराव की समस्या पुरानी है, जल SDM मैडम भी आई है, तो क्या उम्मीद लग रही है अब ये सफाई? उम्मीद लग रही है, देखते हैं क्या होता है, वो तो बताएंगे। देवेंद्र सिंह मोदी राजपूत नाम। कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्राम पंचायत आई वासी हूँ। अच्छा, ये जल भराव की समस्या अजीतपुर में कितनी पुरानी है? ये कम से कम 10 साल पुरानी है, जब पूर्व में हम प्रधान थे जब ये समस्या नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि वहाँ मकान भी कम थे, नाली की समस्या भी थी, गड्ढे भी साफ रहते थे, वगैरह भी साफ रहती थी यहाँ। जब से 10 साल बाद 2 बार प्रधान रह चुके हैं, हमें प्रेजेंट में से 5 साल पहले रहे हैं, ये नाली जो बनी है वो हमारे टाइम की बनी हुई है, जब ये नाली पास नहीं खराब आए कोई भी। SDM का निरीक्षण है यहाँ पे, तो क्या उम्मीद लग रही है? SDM का जो निरीक्षण हुआ, SDM साहब आई सरकारी स्कूल के लिए, उन्होंने बोला मुझे 300 मीटर का जो एप्लीकेशन आई है मेरे पास, मैं वही काम करूँगी। मैं 300 मीटर से ज़्यादा टुकड़ा ना देखूँगी, ना कोई समस्या सुनूँगी। आप मुझे कितनी भी समस्या सुना दो, मैं करूँगी यही जो मुझे है। और वो किसी जनता की सुनने के लिए नहीं है भाई, हमारी समस्या हम जानते हैं, SDM दूर जानता है। यहाँ एक गांव का दौरा करने के बाद वो कह रहे हैं समस्या मैं बताऊंगी, गांव वालों की समस्या सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, वो ये कह रहे हैं समस्या मैं बताऊंगी, मैं हल करूंगी। जब मैं कह रहा हूं मेरे घर का पानी इधर आना है, वो कह नहीं आपका घर का पानी पीछे जाएगा लौट के, ये कौन सा सर? वो खुद समाधान करने के लिए आई है, वो समाधान नहीं कर रही, वो अपना समाधान बता रही है, मैं ऐसे बनवाऊंगी 300 मीटर का टुकड़ा बनवाऊंगी, उसमें नाली बनवाऊंगी और इस गड्ढे में डाल दूंगी। अब बताओ गड्ढे का पानी जाएगा क्या मुझे? मेरा नाम प्रताप सिंह, मैं प्रधानपति अजीजपुर। आपके गाँव में SDM का दौरा रहा, तो क्या कुछ कहा मैडम ने? क्या कुछ रहा मैडम ने? कहा रोड बनवाने के लिए और साफ सफाई के लिए। अच्छा, तो रोड की नापतोल हुई आज? हाँ, एक रोड की नापतोल हुई। साफ सफाई को लेकर क्या कहना था मैडम का? साफ सफाई मैडम ने बोला सभी जगह पे साफ सफाई, पिन्नी पॉलीथोन वगैरह ना दिखे। ऐसे में आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? मेरी तरफ से आश्वासन है मैं सभी की साफ सफाई कराता हूँ अपने गाँव की, मेरा जो भी संभव हो सकता है उसे सफाई करा दूंगा। अच्छा, आपसे पहले ये जल भराव पन्नी पॉलीथिन गंदगी दिखाई दे रही थी, क्या कारण है सबके पीछे, क्या कारण है? क्षेत्र नीचा है मेरा, अजीजपुर गांव सबसे नीचा है और इस चक्कर में पानी जल भराव के चक्कर में साफ सफाई की दिक्कत होती है। ताजनगरी आगरा के तहसील सदर से SDM आज धनौली और अजीजपुर ग्राम पंचायत में पहुंची, जहां उन्होंने धनौली और अजीजपुर की जन समस्याओं को देखा। धनौली और अजीजपुर में सबसे बड़ी जन समस्या जल भराव की है, जिस पर ग्रामीणों को उन्होंने जल्द समस्या का समाधान कराने का आश्वासन भी दिया है। वहीं ग्राम प्रधान अजीजपुर को उन्होंने गंदगी को देखकर उन्होंने फटकार भी लगाई है और कहा है कि जल्द से जल्द इसकी सफाई की जाए, ताकि गाँव के अंदर किसी प्रकार की बीमारी ना फैल सके।
जॉब सिंह सक्सेना आगरा।